प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई मिशन पर हैं, यानी कि मुंबई आ रहे हैं और मुंबई में आकर वो 38,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मुंबई करों को देने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA के इस ग्राउंड में व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। बड़ी सभा यहाँ पर होने वाली है। तकरीबन एक लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आने वाले हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। बड़ा सा मंच यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, अलग अलग योजनाएं जो बनेगी उनके लिए उस स्क्रीन पर, वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उनके बैठने के लिए किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, देखिए तकरीबन 1 लाख लोग सुनने आएंगे तो ये वहाँ पर बैठेंगे और बैठकर सभी लोग प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे वो सुनेंगे और जो भी संदेश देंगे उसे लेकर अपने अपने घरों, अपने अपने इलाकों तक जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आज कौन कौन सी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई भाजपा के महामंत्री और विधायक योगेश सागर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आ रहे हैं, आज बड़ी सभा भी कर रहे हैं और 38,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात भी दे रहे हैं, तो क्या माना जाए कि मुंबई BMC चुनाव की एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, मुंबई की प्रगति जिस धरती पर होनी चाहिए, जिस गति से होनी चाहिए, वो हुई नहीं है, ये सारा मुंबई मानता है। और इसलिए माननीय एकनाथ राव शिंदे मुख्यमंत्री और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बने तो मुंबई के लिए विशेष काम करने की योजना बनाई। और आपने यहाँ स्लोगन भी पढ़ा होगा कि काया पलट मुंबई था, निर्धार सरकार था आणि काया पलट मुंबई था। तो मुंबई का काया पलट करने का और साथ में पूरे महाराष्ट्र का विकास भी करना है, लेकिन मुंबई का काया पलट करने के लिए ये सारी योजनाएं लागू हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज मुंबई में शिलान्यास करने को आ रहा है, जिसमें 7 जल मल शुद्धिकरण केंद्र के शिलान्यास होंगे, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जो मुंबई के समुद्र को और एनवायरमेंट को खराब करते हैं उस पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके 7 प्लांटों का आज भूमि पूजन करेंगे। ओशिवरा के प्रसूतिगृह का भूमि पूजन करेंगे, भांडुप के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे, सिद्धार्थ हॉस्पिटल गोरेगांव का भूमि पूजन करेंगे, 400 किलोमीटर के सीमेंट कंक्रीट के रोड जो हर बार मुंबई खड्डे में, मुंबई या मुंबई में खड्डे, इस पर चर्चा चलती है, 400 किलोमीटर के सीमेंट कंक्रीट के रोड का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होगा। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की योजना ये मुंबई शहर को एक गिफ्ट के रूप में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एकनाथराव शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी का जो स्वप्न है मुंबई के बारे में, उसकी पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज आशीर्वाद देने लिए मुंबई आ रहे हैं। तो इसमें एक मेट्रो 2 है और मेट्रो 7 का भी एक बड़ा जी बड़ा मेट्रो 2 और मेट्रो 7 जिनका भूमि पूजन उस समय माननीय देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ था। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ये दोनों मेट्रो मुंबई को लोकार्पण करेंगे। पहले फेज का जब मेट्रो 2A और 7 का उद्घाटन हुआ था तब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया था। इस बार जब आ रहे हैं प्रधानमंत्री पूरे मेट्रो फेज का उद्घाटन करने के लिए 2A और 7 का, तब आप लोगों ने, हमने देखा जगह जगह पर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की तस्वीर तो लगाई है, लेकिन उद्धव ठाकरे को आप लोगों ने इसमें नहीं बुलाया, जिसको लेकर उन्होंने याद दिलाया कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, न किसी BJP के, तो ये कौन सी राजनीति है? देखिए, बाला साहब जी की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है, उस शिवसेना का नाम ऑफिशियल बाला साहेबांची शिवसेना ऐसा है। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का नाम है उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना, यानी वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और ये बाला साहब की, इसलिए बाला साहब ये अभी केवल ठाकरे सर फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, बाला साहब एक राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व हुआ है और बाला साहब का स्वीकृति, बाला साहब की हाजिरी में भी पूरे देश में था और आज भी पूरे देश में बाला साहब जी की स्वीकृति है एक हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू नेता के नाम में। बात रही उद्धव ठाकरे जी के निमंत्रण की, उद्धव ठाकरे जी विधान परिषद के सदस्य है, सारे विधायकों को निमंत्रण गया है, फिर विधान परिषद के हो विधानसभा के हो, और इस प्रकार से उनको निमंत्रण गया है, वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। यानी कि निमंत्रण गया है, सभी विधायकों को निमंत्रण गया है, विधान परिषद के विधायक हो, विधानसभा के विधायक हो, राज्यसभा के मेंबर हो, खासदार हो, लोकसभा के खासदार हो, शिवसेना के खासदारों को भी निमंत्रण गया है, वो आएंगे तो उनका स्वागत है। ये और माना जाए कि ये जो आज हो रहा है ये एक तरह से BMC चुनाव की शुरुआत है, एक मोमेंटम दे रहे हैं। देखिए, किसी भी सरकार का काम है विकास करना, और विकास को अगर कोई चुनाव के साथ जोड़ता है तो इसमें मैं कुछ बुरा नहीं समझता, विकास करते रहना चाहिए। विकास की अवधि में जो 2.5 साल का गैप रहा मुंबई के लिए, उस गैप को पूरा करने के लिए जिस गति से चलना चाहिए उस गति से माननीय एकनाथ जी की और देवेंद्र जी की सरकार चल रही है। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई मिशन पे हैं और ये माना जा रहा है और कहा भी जाता है कि अगर नेता ज्यादातर दिखने लगे तो कहीं चुनाव तो नहीं है,
तो मुंबई बीएमसी चुनाव की हालांकि तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, कब होगी ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से मुंबई को इतनी बड़ी सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर बीएमसी चुनाव को लेकर सक्रियता इसके बाद से बढ़ने वाली है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।